दिखाते हैं आपको एक मिनट में खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है। महाड की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राणे की जमानत मंजूर की है। जमानत के लिए नारायण राणे के वकील ने राणे की खराब सेहत का हवाला दिया था, जिसे कोर्ट ने माना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत मिली है। महाड कोर्ट ने नारायण राणे को जमानत दे दी है। कल नारायण राणे को रत्नागिरी में खाना खाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ नासिक समेत 3 अन्य जगहों पर FIR दर्ज कराई गई थी। बाजूला मना एकादा सेक्रेटरी ठेवा ने विचार बोल कैसे नहीं का किती वर्ष आली देशाला सचिवालय हिरक महोत्सव काय ते असतो तर कानाखाली चढवलं हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में अफगानिस्तान जैसे हालात हैं, जिसके जवाब में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को बंगाल बनाने की साजिश कर रही है। लोग ये न समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने के मामले में भड़के शिव सैनिकों ने कल मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। हिंसक था काफी प्रदर्शन, कहीं पर बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, कहीं पर राणे के समर्थकों के साथ झड़प करते नजर आए। मुंबई, नासिक और पुणे तोड़फोड़ और हंगामे की ये तस्वीरें इन 3 शहरों तक ही सीमित नहीं रही। नारायण राणे के बयान से भड़के शिवसैनिकों ने महाराष्ट्र में जगह जगह सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ की। कल्याण, जलगांव, अमरावती, रायगढ़ और औरंगाबाद शिवसैनिकों ने कहीं पर किसी मॉल को निशाना बनाया तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पथराव किया, तो वहीं पुणे में शिवसैनिकों ने बीजेपी कार्यालय में मुर्गिया छोड़कर राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं दूसरी तरफ राणे की गिरफ्तारी से भड़के उनके समर्थकों ने थाने के बाहर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने यहां पर कय्यूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है और दावा किया गया कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही सरकार का गठन किया जाएगा। तो वही कब्जे के बाद कल तालिबान की ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नौकरी पेशा महिलाएं घर पर रहें, उन्हें घर पर ही सैलरी देंगे। साथ ही साथ तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान लड़ाकों को औरतों से बात करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है और दावा किया है कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य हो रहे हैं और उसकी सरकार का गठन जल्द हो जाएगा। सत्ता पर कब्जे के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने कई नई बातें कही। तालिबान ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में युद्ध नहीं शांति चाहता है, पंजशीर के लोग लड़े नहीं, काबुल आकर हमसे बातचीत करें। अफगानिस्तान की नई सरकार में सभी की भागीदारी होगी, नौकरी पेशा महिलाएं घर पर ही रहें, उन्हें घर पर ही सैलरी देंगे। तालिबान लड़ाकों को औरतों से बात करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तालिबान ने दुनिया के संगठनों से सहयोग मांगा है, वहीं अमेरिका को 31 अगस्त तक वापसी का अल्टीमेटम दिया है। They have announced that they will draw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. In that case, it is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए कल G7 देशों की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। तो वहीं बैठक से ठीक पहले चीन ने तालिबान पर संभावित आर्थिक पाबंदियों का दबे शब्दों में विरोध किया और कहा कि तालिबान पर पाबंदियों का कोई असर नहीं होगा। अफगानिस्तान में बंदूक और हथियारों के दम पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को लेकर जो डर था वो अब साफ देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए G7 देशों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। G7 की इस बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है और इसके लिए हम सब देश एक साथ हैं। The number one condition we're setting is G7
is that they've got to guarantee right the way through, through August the 31st and beyond, safe passage for those who want to come out. Now, तो वहीं अमेरिका ने भी ब्रिटेन का साथ देते हुए कहा है कि 31 अगस्त तक लोगों को वहां से निकालने के प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं G7 देशों के नेताओं की बैठक के ठीक पूर्व चीन ने तालिबान पर संभावित आर्थिक पाबंदियों का दबे शब्दों में विरोध किया। तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर कब्जा कर रखा है। बस एक प्रांत ही बाकी है जो कि वो है पंजशीर, जिसे जीतने के लिए तालिबान लगातार कोशिश में है लेकिन सफल नहीं हुआ है। और इसी बीच एंटी तालिबान फोर्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया जिसमें एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके हथियारों से ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजशीर पर कब्जे को लेकर इन दिनों तालिबान और एंटी तालिबान फोर्स आमने सामने है, जिसके बाद आज एंटी तालिबान फोर्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके अफगानिस्तान के कोटाले अंजुमन प्रांत में हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एंटी तालिबान फोर्स ने तालिबान को खुली चुनौती दी है और कहा है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आपको दिखाते हैं काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें। ये तस्वीरें 23 अगस्त की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डे के रनवे पर लोगों की कितनी भीड़ इकट्ठा है। एयरपोर्ट के अलग अलग सेक्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा नजर आ रहे हैं। जिधर भी नजर डालेंगे उधर बस आपको लोगों की भीड़ ही नजर आएगी। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, बंदूक और हथियारों के दम पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को लेकर जो डर था वो अब साफ नजर आ रहा है। हर रोज तालिबान की हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद से अफगानी हिंदू और सिखों भारत में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं, भारत में शरण ले रहे हैं। इन शरण लेने वालों को नागरिकता देने की मांग तेज हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगान हिंदू और सिखों को भारतीय नागरिकता देने की मांग तेज हो गई है। अकाली दल नेता और दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने नागरिकता संशोधन कानून की कट ऑफ डेट 2014 के बजाय 2021 करने की मांग की है। 2014 की कट ऑफ लिस्ट है, उसको 2021 तक लाया जाए या कोई और स्पेशल प्रोविजन लाए जाए, जैसे इनकी जान बचाई गई है ऐसे इनको नागरिकता भी दी जाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन लोगों पर सवाल उठाया है जो अब तक CAA का विरोध कर रहे थे। और जिन लोगों ने CAA का विरोध किया था उनके बारे भी अगर आप उनसे पूछिए क्या है, मैं I don't want to get into. नागरिकता संशोधन कानून के तहत सरकार ने 2014 तक भारत आने वाले पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन भी रखा जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने। राहुल ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी है मोदी सरकार ने उसको बेचने का काम कर लिया। और वहीं पलटवार करते हुए अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा 2006 में जब चिदम्बरम ने एयरपोर्ट का निजीकरण किया था तो क्या उन्होंने भी ऐसे बेचा था। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि फरवरी 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8000 करोड़ के एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन किया तो क्या उनकी सरकार ने सब बेच दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मोनेटाइज करके 8000 करोड़ रुपया जो सुरक्षित किया गया, तब क्या कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार देश बेच रही थी। केंद्र सरकार ने कल ही 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है, जिसमें एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर शामिल है। जम्मू कश्मीर में कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। बीते 2 दिन में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकवादी गुट TRF के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को बड़ा झटका दिया है।
सुरक्षा बलों ने कल सोपोर में लश्कर के आतंकी गुट TRF के 3 और आतंकियों को मार गिराया। सोपोर के सीर इलाके में सुरक्षा बलों ने रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों को ही घेर लिया था और कल सुबह जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे गए। तीनों शोपिया के रहने वाले थे और कई आतंकी हमलों में शामिल थे। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ है। लश्कर के सहयोगी आतंकी संगठन TRF के लिए 2 दिन में ये दूसरा झटका है। इससे पहले श्रीनगर में TRF के चीफ कमांडर अब्बास शेख और कमांडर साकिर मंसूर को मार गिराया गया था। वहीं दूसरी कामयाबी बांदीपोरा में मिली, जहां लश्कर से जुड़े 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकियों से बड़ी मात्रा में ग्रेनेड गोला बारूद बरामद हुए हैं। पंजाब कांग्रेस की बात करते हैं एक बार फिर से। जो पंजाब की सियासत है उसमें एक नया मोड़ आता होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद है, जो एक बार फिर से अंतर्कलह है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में बढ़ती हुई। मामला दरअसल नया क्या सामने आया, इस रिपोर्ट के परे एक नजर। कांग्रेस की अंतर्कलह अब चरम पर पहुंच गई है। सिद्धू खेमे ने CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और उनको हटाने की मांग तेज कर दी है। 4 कैबिनेट मंत्रियों समेत 21 विधायकों ने बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर दी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 मंत्रियों और नाराज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। बैठक के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पूरी स्थिति के बारे में आला कमान को जानकारी दी जाएगी और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेगा। इसके साथ साथ ही आज नाराज विधायकों का दल देहरादून में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। मैंने कहा 2-4 आदमी उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आना चाहो, मेरे पास आ जाइए, बात कर लेंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि आप भी कारण खोजिए, उसका क्या निदान हो सकता है। मुजफ्फरनगर दंगा केस पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी जानकारी, कहा यूपी सरकार ने 77 केसेस वापस लेने का नहीं बताया कोई कारण। ये सभी मामले आजीवन कारावास की सजा से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले वापस ले लिए हैं। ये सभी मामले आजीवन कारावास की सजा से जुड़े थे, जिसे प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें वापस लेने का कारण नहीं बताया गया है। ये सभी मामले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वापस लिए गए थे, जिसकी जानकारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामलों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें से ये सभी मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 175 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जिसके बाद राज्य में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 77 केसों को वापस ले लिया गया था। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 महीने बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा 26 अगस्त से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस दौरान रामलला के भी दर्शन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जून के महीने में अपने गांव का दौरा कर चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 महीने बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा 26 अगस्त से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस दौरान रामलला के भी दर्शन करेंगे। 26 अगस्त को राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद 27 अगस्त को लखनऊ में सैनिक स्कूल के ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे और छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगे। 28 तारीख को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और 29 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ के चारबाग स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जून के महीने में उत्तर प्रदेश गए थे, जहां उन्होंने अपने गांव का दौरा किया था। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. Download it now.